नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन सा वो सही दिन होता है आपके पीरियड के बाद एग्जैक्ट, जिस दिन आप कंसीव कर लेते हो, या फिर सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो वो कौन सा सबसे बेस्ट दिन होता है, सबसे सही दिन, जिस दिन संबंध बनाने से आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो और प्रेग्नेंट हो जाते हो। कई बार कई महिलाएं मुझे कमेंट में ये पूछती हैं कि मैम वो एग्जैक्ट दिन बताइए जिस दिन हम रिलेशन मेंटेन करेंगे तो हम जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे। कई बार इनफर्टिलिटी की समस्या से भी काफ़ी सारी महिलाएं परेशान रहती हैं, जो कई ट्रीटमेंट कराने के बाद भी, कई सारे उपाय अपनाने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इजी आप निकाल पाएंगे इस दिन को, जो दिन सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है कंसीव करने के लिए। आज के इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इजीएस्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी पीरियड साइकिल कितने भी दिन की हो, चाहे वो 21 दिन की हो, 35 दिन की हो, 30 दिन की हो, 28 दिन की हो, आप काफ़ी ईजिली वो दिन निकाल पाएंगी जो सही दिन होता है आपके संबंध बनाने का और जल्द से जल्द प्रेगनेंसी को सीव करने का। आज के इस वीडियो में सभी बातें मैं काफ़ी डिटेल में बताऊंगी, तो जल्द से जल्द जो भी नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे डेली आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको प्रतिदिन प्राप्त होते रहेंगे दोस्तों, और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएंगे। आइए फिर आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर महिला का जो ओवुलेशन का टाइम होता है वो प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है, और सबसे पहली बात ये है कि हर महिला का जो पीरियड साइकिल होता है वो अलग अलग होता है। मान लीजिए आपका 28 दिन का पीरियड साइकिल है, या फिर 21 दिन का है, या फिर 30 दिन का है, या फिर 35 दिन का है, आपका कोई सा भी पीरियड साइकिल हो, आप जिस भी डेट को आपके पीरियड आती है उस डेट से लेके आपको 14वें दिन तक काउंट करना है, या फिर सबसे इजीएस्ट तरीका ये होता है कंसीव करने का कि जिस भी दिन आपके पीरियड आते हैं उससे आपको 8 दिन से लेके अगले 10 दिन के बीच में ट्राई करना है, यानी अनप्रोटेक्टिव रिलेशनशिप मेंटेन करना है आपके पार्टनर के साथ। तो ये कंसीव करने का काफ़ी अच्छा बेस्ट तरीका होता है और सबसे अच्छा दिन माना जाता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब हर महिला का एग रिलीज होता है ओवरी से और ये स्पर्म का वेट करता है और तब ये फर्टिलाइज होता है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि काफ़ी सारी महिलाएं ये समझ नहीं पाती हैं कि कौन सा डे कैसे निकालना है, किस पीरियड डेट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली बात ये है कि आपका जिस भी दिन पीरियड आता है, आप मान लीजिए आपका 28 दिन का है या 21 दिन का है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपका 1 तारीख को पीरियड आपका आया, तो आपको 8वें दिन को कैलकुलेट करना है, यानी 8 तारीख से लेके नेक्स्ट जो 10 दिन है यही आपका बेस्ट ओवुलेशन का टाइम है। और हर महिला का जिनका अनियमित पीरियड है उनके लिए भी यही सजेशन है कि जिस भी डेट को उनका पीरियड आया है उसके 8वें दिन से लेकर के 10वें दिन तक का अगले जो टाइम होता है वो होता है एग रिलीज होने का टाइम। यानी आपकी पीरियड डेट कोई भी हो उससे लेकर 8वें दिन को कैलकुलेट करके और 8वें दिन से लेकर 10वें दिन अगले जो होते हैं, ये जो बीच का समय होता है यही समय होता है ओवुलेशन का। आपके पीरियड साइकिल चाहे कितने भी दिन की हो, लेकिन आपका एग रिलीज होने का जो समय होता है वो यही होता है। तो बहुत सारी महिलाएं ये कंफ्यूज हो जाती हैं, इस वजह से जो है वो समझ नहीं पाती हैं कि रिलेशनशिप कब मेंटेन करना है। अगर ओवुलेशन साइकिल आपकी जो है पीरियड डेट के हिसाब से आप निकालना चाहोगे तो इसके लिए भी काफ़ी सारी वीडियो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे ओवुलेशन की बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें आप पर्टिकुलर डेट निकाल सकते हो आपका पीरियड साइकिल जो भी है और जिस भी डेट को आपको पीरियड आती है उस हिसाब से। लेकिन इस वीडियो में काफ़ी सरल तरीके से मैंने आपको ये बताया है कि कोई सी भी डेट हो आपकी, मान लीजिए आपकी 1 तारीख हो, 5 तारीख हो, 10 तारीख हो, जिस भी डेट को आपकी पीरियड आई है उससे 8वें दिन को काउंट करिए, और जो 8वां दिन आपका जो भी डेट को आता है उस दिन से लेके अगले 10 दिनों के बीच में आपको अल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाना है। यही वो समय होता है जब आपकी ओवरी एग रिलीज करती है और सबसे बेस्ट दिनों में से ये डे काउंट किए जाते हैं, जो 10 डेज होते हैं ये प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए सबसे अच्छा दिन होता है। दोस्तों, अब एक एग्जांपल मैं आपको छोटा सा दे रही हूँ। आज 1 जुलाई है, अगर किसी भी महिला का पीरियड साइकिल 21 दिन का है तो 1 जुलाई को अगर पीरियड आपका आया है तो नेक्स्ट पीरियड आपका जो है वो 21 जुलाई को आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पीरियड साइकिल 21 दिनों की है। अब
ये जो एक तारीख है इसके बाद आप आठवें दिन को काउंट करेंगे, यानी आठ तारीख से लेकर बाकी के जो दस दिन बचते हैं वो आपके ओबुलेशन का टाइम होता है। ऐसे ही हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका पीरियड साइकिल जो है वो 30 दिन का है। अगर 30 दिनों का पीरियड साइकिल है और 1 जुलाई को आपका पीरियड आया है, तो जो नेक्स्ट आपका पीरियड आएगा वो आपका आएगा 31 जुलाई को या फिर 1 अगस्त को, ठीक है। अब आपके पीरियड साइकिल के हिसाब से जो आठवां दिन पड़ता है वो 8 तारीख को आता है, तो 8 तारीख से लेके अगले जो 10 दिन है वो आपका ओवुलेशन का टाइम है, यानी कि ओवुलेशन का टाइम निर्धारित होता है, ये आगे और पीछे नहीं होता है दोस्तों। आपके पीरियड के 8वें दिन से लेकर के अगले 10 दिनों के बीच में किसी भी दे आपका ओवुलेशन हो सकता है, इसलिए आप इसी समय अनप्रोटेक्टिव रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ मेंटेन करिए। इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए हार्मोन्स होते हैं वो आपके नॉर्मल काम करने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगी इस चीज के लिए कि आपको आज रिलेशन बनाना है नहीं बनाना है लेके, तो फिर हार्मोन्स व्यवस्थित रूप से सही तरीके से काम नहीं करते हैं, इस वजह से कंसीवमेंट लेट होती है। तो आप जब भी आपको जो मैंने तरीका बताया है इन दिनों में आपको टेंशन फ्री होके, यानी ये नहीं सोचना है आपको कि प्रेगनेंसी कंसीव होगी कि नहीं, आपको जो है रिलेशनशिप मेंटेन करने के टाइम अच्छे से, मतलब आपको जो है नॉर्मल रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है और इस पल का जो है आनंद उठाना है, तभी आपके जो हार्मोन्स हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव कराते हैं वो नॉर्मल काम कर पाएंगे और आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो पाओगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी था इस वीडियो में समझना कि वो कौन सा अच्छा दिन होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।